टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप फॉर डेवलपर्स के लिए। तो भाई अगर आप एज अ डेवलपर काम कर रहे हो इन 2021 में, आपको लैपटॉप सर्च आउट कर रहे हो जिस पे आपने लोडेड 5 पे काम करना चाहते हो, कोई हैवी सॉफ्टवेयर पे काम करना चाहते हो, ये वीडियो स्पेशली आपके लिए। प्लस मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपका बजट 90,000 से लेकर 2,00,000 है, आज हम इस बजट रेंज की बात करेंगे। एंड अगर आपका बजट 90,000 से कम है यार, उसकी वीडियो मैंने पहले ही की हुई है, मेरे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी, उसको चेक आउट कर लेना। अगर आप एज अ डेवलपर काम करना चाहते हो एंड अगर आपका बजट 90,000 से कम है, वो आपके लिए परफेक्ट डील हो जाएगी। अभी स्टार्ट करते हैं। अगर आपका बजट 90,000 से लेकर 1,10,000 हो जाता है, इस प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं। तो अभी बात करते हैं, अगर आपका बजट 90,000 से लेकर 1,10,000 हो जाता है, इस प्राइस रेंज में मैंने दो लैपटॉप रखे हैं। पहला आता है ASUS ROG Zephyrus G14, दूसरा आता है ASUS ROG Strix की। अगर मैं बात करूँ ASUS ROG Zephyrus G14 की, उसका आपको स्टाइलिश डिज़ाइन मिल जाता है। बैक साइड में आपको LED लाइटिंग देखने को मिल जाती है, जो कि आप कस्टमाइज कर सकते हो। डुअल फैन मिल जाता है, एंटी डस्ट कूलिंग मिल जाती है, उसकी डिस्प्ले भी बहुत तगड़ी है, जो कि आपको 120 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है। अभी बात करते हैं ASUS ROG Strix की। अगर मैं इस लैपटॉप की बात करूँ, इसका जो स्टाइलिश डिज़ाइन तो मिल ही जाता है, उसके साथ साथ जिस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग पूरा लोडेड है, आपको 16 GB रैम मिल जाएगी, i7 देखने को मिल जाएगा, 4 GB ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा। उसके बाद हम डिस्प्ले की बात करें, आपको 144 रिफ्रेश रेट के साथ इसकी डिस्प्ले क्वालिटी देखने को मिल जाती है, जो कि सच में मैटर करती है। 144 रिफ्रेश रेट सच में मैटर करता है। मैं आपको मेन स्पेसिफिकेशन की बात बता देता हूँ, आपको डीपली पता चल जाएगा। तो यार डिस्प्ले की बातों को 15.6 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि IPS लेवल डिस्प्ले, जो कि 144 रिफ्रेश रेट के साथ आती है। प्रोसेसर की बात करूं, आपको i5 या i7 देखने को मिलेगा 10th जनरेशन के साथ। स्टोरेज की बात करूं, आपको 16 GB रैम मिल जाती है, प्लस आपको 512 GB SSD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बात करूं, आपको GTX 1650 Ti 4GB भी मिल जाएगा, 6GB भी मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, आपको विंडो 10 मिल जाती है। बैटरी की बात करूं, आपको 7 to 8 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है। प्राइस की बात करूं, 85,000 से स्टार्ट हो जाता है। एंड जो मैंने आपको वेरिएंट बताया, वो 1,00,000 के बजट तक जा सकता है, ठीक है, उससे 1,00,000 से कम ही मिल जाएगा, अपर नहीं जाने वाला। तो स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, लैपटॉप पूरा तगड़ा मिल जाता है, ठीक है, प्लस स्टाइलिश डिजाइन है यार। आगे बात करते हैं ASUS ROG Zephyrus G14 की। तो डिस्प्ले की बात करूं, आपको 14 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, जो कि 120 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है। प्रोसेसर की बात करूं, आपको AMD Ryzen 5 देखने को मिलेगा 4600HS के साथ। स्टोरेज की बात करूं, आपको 8 GB रैम मिल जाती है, एक्सपेंडेबल आप कह सकते हो 32 GB तक, प्लस आपको 1 TB SSD देखने को मिलेगी। ग्राफिक कार्ड की बात करूं, आपको RTX भी मिल जाएगा, GTX भी मिल जाएगा। 4 GB की ओर जाना चाहते हो आप जा सकते हो, अगर आपने 6 GB की ओर जाना है आप जा सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, आपको विंडो 10 मिल जाती है। बैटरी लाइफ की बात करूं, आपको 10 आवर्स का बैटरी लाइफ प्रोवाइड कर देता है। प्राइस की बातों को 90,000 के बजट में ASUS ROG Zephyrus G14 देखने को मिल जाएगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको दोनों ही लैपटॉप्स के बता दिए। अभी बात करते हैं दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। तो यार सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ASUS ROG Zephyrus G14 का डिज़ाइन कलर वगैरह ज़्यादा अच्छे हैं एज कंपैरिजन किया जाए ASUS ROG Strix के साथ। बट ASUS ROG Strix के जो स्पेसिफिकेशन है, वो ज़्यादा तगड़े आपको देखने को मिल जाते, कम प्राइस में अच्छे फीचर्स प्रोवाइड कर देता है। तो आपने देखना, अगर आपको स्टाइलिश डिज़ाइन चाहिए, ASUS ROG Zephyrus G14 आपके लिए बेस्ट डील हो सकता है। अगर आपको स्पेसिफिकेशन लोडेड चाहिए, तो भाई ASUS ROG Strix आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है। अभी बात करते हैं कि ये लैपटॉप किन लोगों के लिए बने हैं। तो भाई अगर आपने प्रोग्रामिंग करनी है, अगर आपने कोडिंग करनी है, एज अ डेवलपर काम करना चाहते हो, एज अ क्रिएटर काम करना चाहते हो, अगर आपने वीडियो एडिटिंग करनी है, फोटो एडिटिंग करनी है, उसके बाद अगर आप स्कूल में पढ़ते हो, लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो, गेमिंग लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो, या फिर आज तक का कोई भी आपने हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, आपके लिए स्पेशली ये लैपटॉप बने हैं। दोनों लैपटॉप बहुत तगड़े हैं। आगे बात करते हैं, अगर आपका बजट 1,10,000 से लेकर 1,40,000 हो जाता है, इस प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं। तो वो भी बात करते हैं, अगर आपका बजट 1,10,000 से लेके 1,40,000 हो जाता है, इस प्राइस रेंज में यार मैंने रखे हैं दो लैपटॉप। ये दोनों लैपटॉप अगर आपने एज अ प्रो काम करना है, एज अ प्रोफेशनल काम करना चाहते हो, तो भाई आपको बहुत सूट करने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस बुक 3 की, एंड मैं बात कर रहा हूँ HP स्पेक्टर X360 की। दोनों लैपटॉप बहुत तगड़े हैं, इंटरनेशनल क्रिएटर्स हो गए, डिवेलपर्स हो गए, या कोई भी बंदा हो गया, वो बहुत लैपटॉप ये दोनों लाइक करते हैं, बिकॉज इनकी डिज़ाइन, इनकी बिल्ड क्वालिटी, इनके कलर, इनकी डिस्प्ले क्वालिटी, प्लस इनके जो स्पेसिफिकेशन है, आपको बहुत तगड़े देखने को मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं दोनों के मेन स्पेसिफिकेशन की, मैं डीपली आपको बता देता हूं। तो यार माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस 3 की बात करूं, तो पहले डिस्प्ले की बात करूं, आपको 13 इंच भी मिल जाएगी, आपको 15 इंच भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है, जो कि टच डिस्प्ले। प्रोसेसर की बात करूं, आपको i5 भी मिल जाएगा, आपको i7 भी मिल जाएगा। स्टोरेज की बात करूं, आपको 8 GB रैम भी मिल जाएगी, आपको 16 GB रैम भी मिल जाएगी, प्लस भाई अगर आपने 32 GB रैम की ओर जाना है, वो भी आपको
देखने को मिल जाएगी। SSD की बात करूँ 128GB से स्टार्ट हो जाती है, एंड भाई अगर आपने 1TB तक जाना है आप उसकी और भी जा सकते हो। ग्राफिक कार्ड की बात करूँ आपको इंटेल एरिस प्लस भी देखने को मिल जाएगा, 1650 Ti भी देखने को मिल जाएगा, 1660 Ti भी देखने को मिल जाएगा। तो आप देख लेना जो भी आपको ग्राफिक कार्ड चाहिए उसके स्पेसिफिकेशन मतलब इंक्रीज होते जाएंगे, जैसे जितना पे करोगे उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिकेशन इंक्रीज हो जाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ आपको विंडो 10 मिल जाता है। बैटरी की बात करूँ को 11 आवर्स का बैटरी लाइफ प्रोवाइड कर देता है। प्राइस की बात करूँ ये 90,000 से स्टार्ट हो जाता है, इसका बजट रेंज या 2 लाख के बजट से भी अपर चला जाता है। तो अभी बात करते हैं HP Spectre X360 की। तो डिस्प्ले की बात करूँ आपको 15.6 इंच 4K टच स्क्रीन मिल जाती है जो कि HP पेन के साथ आते हैं। प्रोसेसर की बात करूँ आपको i7 10th जनरेशन के साथ मिलता है। स्टोरेज की बात करूँ आपको 16GB रैम मिल जाती है, प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बात करूँ आपको 4GB भी मिल जाएगा, 6GB भी मिल जाएगा, मतलब इसके मॉडल वगैरह बहुत आते हैं। ठीक है, ये स्टार्ट हो जाता है 90,000 से, एंड इसका बजट यार 2.5 लाख के बजट तक भी चला जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ आपको विंडो 10 मिल जाती है, लेटेस्ट वर्जन 64-bit विंडो मिल जाती है। बैटरी की बात करूँ आपको 30 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है। प्राइस की बात करूँ मैंने आपको पहले रिपीट कर दिया कि 90,000 से स्टार्ट हो जाता है, एंड इसका बजट यार 2,50,000 के बजट तक भी चला जाता है। तो स्पेसिफिकेशन इंक्रीज डिक्रीज होते जाएंगे, जितना पे करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन अभी मैंने आपको इन दोनों लैपटॉप्स के भी बता दिए। तो भाई अगर आपने ऐसा डेवलपर काम करना है, प्रोग्रामिंग करनी है, कोडिंग करनी है, उसके बाद भी अगर आपने फोटो एडिटिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, या कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, ये दोनों लैपटॉप भी आपके लिए परफेक्ट डील हो सकते हैं। बस आपने इतना ध्यान रखना है कि अगर आप 16GB रैम की ओर जा सकते हो आप उसके और चल जाना, जो भी आप सॉफ्टवेयर पे काम करोगे या जो भी आप लोडेड फाइल पे काम करोगे आपका वो स्मूथली हो जाएगा। अभी आगे बात करते हैं, अगर आपका बजट 1.5 लाख से लेकर 2 लाख हो जाता है इस प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं। तो भाई अगर आपका बजट 1.5 लाख से लेकर 2 लाख हो जाता है इस प्राइस रेंज में, मैं आपको सीधा बोलना चाहता हूँ आपके लिए परफेक्ट डील हो सकती है एप्पल मैकबुक 13 या एप्पल मैकबुक प्रो। तो यार एज अ डेवलपर के लिए, एज अ क्रिएटर के लिए, मतलब ये बनी ही यार एज अ क्रिएटर के लिए, एज अ डेवलपर के लिए, अगर आपने प्रोग्रामिंग करनी है, एनिमेशन करनी है, कोडिंग करनी है, 3D एनिमेशन करनी है, कार्टून ड्रॉ करते हो, एज आर्किटेक्चर की स्टडी कर रहे हो, स्कूल में पढ़ते हो, वीडियो एडिटिंग करनी है, फोटो एडिटिंग करनी है, कोई भी आज तक का आपने कोई हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, इसी चीज़ के लिए एप्पल मैकबुक बनी है। बस मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आपने 16GB रैम की ओर जाना, आपने 8GB रैम की ओर नहीं जाना, बिकॉज इन फ्यूचर आपको लैपटॉप चेंज करना पड़ जाएगा। बट अगर आप 16GB रैम ले लेते हो आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है। अगर आप 16GB के भी अपर चला जाते हो तो वो तो यार आपके लिए जन्नत होने वाली। तो यार अभी मैंने आपको इतने लैपटॉप बता दिए, लोडेड लैपटॉप बता दिए, इनमें से कोई भी आप लैपटॉप ले लेते हो आपके पैसे वगैरह ख़राब नहीं होने वाले। इस प्राइस रेंज में बहुत लैपटॉप आते हैं, लेकिन मैंने आपको वही बताया जो आपकी कैटेगरी ली बहुत ज़्यादा अपर, एज अ डेवलपर काम करना चाहते हो, प्लस भाई अगर आपने प्रोग्रामिंग करनी है, कोडिंग करनी है, आपके लिए ये लैपटॉप परफेक्ट डील हो सकते हैं। आपका जो काम है वो स्मूथली होगा, नॉर्मली कर सकोगे, आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है ख़त्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी यार वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भी देना, दोस्तों के भी दोस्तों को भी देना, उनको भी कह देना कि चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक, करें इंस्टाग्राम पे कर फॉलो, लिंक वगैरह यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सोचा हुआ अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए वीडियो के साथ। थैंक यू।